बहुत सारे ऐसे मेरे फौजी भाई है जिनकी इनकम टैक्स अभी पेंडिंग में है, उनकी इनकम टैक्स अभी आया नहीं, भर चुके हैं, अप्रूवल हो चुका है, किसी की अप्रूवल भी नहीं है। तो दोनों टर्म्स में आपको समझाऊंगा। और डिफेंस एस्पिरेंट जो भी है, आप आगे जाके भी यहाँ पर बनेंगे, फौजी बनेंगे, तो आपकी भी इनकम टैक्स कटेगा, तो ये चीज़ें आप देख लेना, आगे जाके आपको काफ़ी वैल्यू करेगा। आपने सिंपली कैसे क्या करना है, सिंपली आपने गूगल में आना है और वहाँ पर सर्च करना है इनकम टैक्स ई फाइलिंग या फिर इनकम टैक्स लॉगिन। सिर्फ इनकम टैक्स भी मारोगे तो आपको लॉगिन के लिए ऑप्शन दे देगा, ऊपर आ गया इनकम टैक्स लॉगिन, इसको क्लिक करिए। करने के बाद आपका देखिए सबसे पहले आ रहा है ई फाइलिंग, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, होम, डाउनलोड्स, कंटेक्ट अस, रजिस्ट्रेशन, सीधा जाओ ई फाइलिंग में। ई फाइलिंग में क्लिक करने के बाद आपको लॉगिन करने के लिए बोलेगा, जो आपकी लॉगिन आईडी और पासवर्ड है आपने क्रिएट किया है तो यहाँ पर आप दे सकते हैं, ठीक है। अगर अभी आप तक अभी आपका आईटीआर अभी तक नहीं आया है, आपकी इनकम टैक्स रिटर्न नहीं हुआ है, आप हमें डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हमारी टीम आपकी मदद करेगा। अगर आप हमारे से आईटीआर भरवाना चाहते हैं सही से बिल्कुल, तो आप मुझे नीचे दिए हुए टेलीग्राम में पर्सनल आईडी से मैसेज कर सकते हैं। आपको अगर पर्सनल आईडी चाहिए तो आप नीचे कमेंट कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे आपकी पैन कार्ड नंबर डाल के, उसके बाद ऐसे करके आपको पेज आएगा, तो यहाँ पर सिंपली आपको क्लिक करना है, यहाँ पर टिक करना है प्लीज़ कन्फर्म योर सिक्योर SSID इमेज डिस्प्ले, और यहाँ पर आपकी पासवर्ड डाल देना। इसको मैंने क्लिक कर दिया, यहाँ पर मैं पासवर्ड अपना डाल दूंगा, ठीक है। पासवर्ड डाल के थोड़ा सा वेट करेंगे, पासवर्ड मैंने यहाँ पर डाल दिया, फिर लॉगिन पे क्लिक कर दीजिए। लॉगिन क्लिक करने के बाद आपको एक डैशबोर्ड खोल जाएगा, ठीक है। ये डैशबोर्ड खोल जाएगा, यहाँ से नीचे जाइए जाइए जाइए, यहाँ पर कुछ नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। यहाँ पर आइए ऊपर, यहाँ पर देखिए थ्री डॉट मिल रहा है, थ्री डॉट यहाँ पर है, तो इसको क्लिक करिए। करने के बाद बहुत सारे ऑप्शंस खुल जाएंगे यहाँ पर, डैशबोर्ड, ई फाइलिंग, ऑथोराइज पार्टनर, सर्विस, AIS, पेंडिंग एक्शंस, ग्रीवेंस। पहले आपने क्या करना है, ई फाइल डैशबोर्ड में जाना है, डैशबोर्ड को क्लिक कर देना है, ठीक है। यहाँ पर इसको क्लिक कर देना है, पहले करोगे यहाँ पर ऑप्शंस खुल जाएंगे, यहाँ पर आपकी अकाउंट के लिए लॉगिन के ऑप्शंस आ गए, और यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस खुल जाएंगे आपकी व्यू आईटीआर स्टेटस, टैक्स डिपॉजिट, रिसेंट फाइल रिटर्न्स। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, व्यू आईटीआर स्टेटस को हम देखेंगे, ठीक है, इसको क्लिक करना है, ठीक है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर दिखेगा ये, और सक्सेसफुली यहाँ पर दिखा रहा होगा, यह रिटर्न हैज़ बिन वेरीफाइड सक्सेसफुली, प्लीज़ वेट फॉर प्रोसेसिंग। यहाँ पर चार ऑप्शंस होते हैं, पहले है रिटर्न फाइल डन, अब मैंने 8 जुलाई को फाइल किया था 2024 में इनकी, तो उनके बाद उनका जो 8 जुलाई 2024 को इनकी वेरीफाई हो गया, उसी दिन इनकी मैंने वेरीफाई कर दिया। करने के बाद रिटर्न प्रोसेसिंग में है और प्रोसेस डन। किसी किसी का ना यहाँ पर डिफेक्ट आता है कि डिफेक्ट इन रिटर्न, मैंने कल एक आए थे मेरे पास भरवाने के लिए, तो मैंने देखा था उनकी क्या गलती रहा था, उनकी जो TDS में उनकी 18 लाख रुपया कटा है व्यू 26 में, 26AS ये मान्यता आता है, लेकिन जो फौजी आदमी भरवाता है वो फॉर्म 16 के हिसाब से भरवाता है, फॉर्म 16 एक्यूरेट नहीं है, फॉर्म 16 में 15 लाख रुपया उनका कटा था, तो इसके हिसाब से भरना चाहिए था, इसीलिए उनका यहाँ पर रिटर्न वेरीफाइड ऑन कर उसके बाद ये जो तीसरा ऑप्शन में ना डिफेक्टिव करके डाल दिया, डिफेक्टिव रिटर्न, और उनको एक लीगल नोटिस दिया कि ये बताइए जो आपने भरा है ना वो गलत है या सही है। वो बोल रहा है कि जो आपने भरा था वो गलत है, आपने सही नहीं भरा है, डिसएग्री कर रहे हो या एग्री कर रहे हो, ठीक है। फिर हमने क्या किया, उनकी पढ़ा, फिर उनकी मैंने व्यू 26AS देखा, दे उसमें तो 18 लाख कटा है, इसमें 15 लाख कटा है, तो फॉर्म 16 कोई मान्यता नहीं है, ठीक है। फौजी आदमी फॉर्म 16 के पीछे पड़ा रहता है लेकिन उसकी कोई वैल्यू नहीं है, वो सिर्फ डिडक्शन दिखाने के लिए है बस, कब कब क्या क्या कटा है आपकी। तो यहाँ पर हमने फिर क्या, उनको एग्री किया, इनकम टैक्स ने जो हमारे को नोटिस दिया था उनको, हमने उसको एग्री किया। एग्री करने के बाद फिर हमने क्या किया, जो उनकी फाइल रिवाइज रिटर्न हमने भरा, भरने के बाद फिर उनकी सेम रिटर्न प्रोसेसिंग यहाँ पर हो गया, उनकी जो भी कटा था अमाउंट, ठीक है। तो इस बार ऐसे आपने गलत चीज़ें नहीं भरवाना है, जो मुझे पता है आप लोग 500-1000 रुपया दे के भरवाते हो, तो या तो चीज़ों को सीख लो या फिर ऐसे गलत मर भरवाना, ठीक है। तो उसके बाद आपने यहाँ पर क्लिक करना है, फिर थ्री डॉट में जो राइट साइड में थ्री डॉट है ना, वहाँ पर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद आपने आना है ग्रीवेंस पर, यहाँ पर दिख रहा है आपको ग्रीवेंस करके लिखा है, यहाँ पर इसको करना है, ये खुद करना है, किसी से करवाना नहीं है, खुद करोगे तभी तो सीखोगे यार, कब सीखोगे आप लोग, 10-15 साल सर्विस हो गया होगा आप लोग का। चले यहाँ पर सबमिट ग्रीवेंस या फिर व्यू ग्रीवेंस, यहाँ पर पहले हम सबमिट करेंगे फिर व्यू देखेंगे, ठीक है। पहले सबमिट ग्रीवेंस पर क्लिक करोगे, करने के बाद देखो बहुत सारे ऑप्शंस खुल जाएगा, लेकिन ये कोई बम नहीं है जो आप फोड़ नहीं सकते, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, आपको कौन सी इशू है, ठीक है, CPC, ITR, CPC, TDS, AO, e-filing, DIT। तो हमारे को दिक्कत कहाँ है, हमारे इनकम टैक्स रिटर्न नहीं आया ना, तो CPC, ITR में क्लिक कर दें।
तो हमने यहाँ पर क्लिक करना है और डिपार्टमेंट टिक करना है CPC ITR, बहुत सारे डिपार्टमेंट मिलेगा आपको, क्लिक करना है CPC ITR, इनकम टैक्स रिटर्न सिलेक्ट। टैक्स कैटेगरी में बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे आपको, टैक्स रिलेटेड क्वेरी, तीन ऑप्शन आएंगे आपको, टैक्स रिलेटेड क्वेरीज पे क्लिक करना है। सब कैटेगरी आपने मिसलेनियस कर देना है, यहाँ पर एक ही ऑप्शन आएगा उसको कंटिन्यू कर देना। कंटिन्यू करने के बाद ये पेज आपके सामने हो जाएगा। यहाँ पर आपने क्या करना है, असेसमेंट ईयर क्लिक कर लेना, असेसमेंट ईयर किसके लिए आपको चाहिए, ठीक है। वहाँ पर जैसे क्लिक करोगे यहाँ पर 23, 24, 25 जो भी आ जाएगा, ठीक है। फाइनेंशियल ईयर क्लिक कर लेना, उसके बाद पैन और टैन नंबर, एप्लीकेशन नंबर जो भी है यहाँ पर वो अपने आप वो यहाँ पर आप डाल देना, पैन नंबर जो भी आपका है, फाइनेंशियल किसके लिए कर रहे हो, 2024 के लिए या फिर 23 के लिए कर रहे हो जो भी है। उसके बाद डिस्क्रिप्शन में एटलीस्ट 100 वर्ड में लिखना है, आपको लिखना है कि अपना क्या नाम है, आप हाई टीम या हाई ITR टीम, मेरा नाम ये है, मैंने इस तारीख को यहाँ पर एप्लीकेशन भरा था, मेरा इतना टैक्स कटा है और इतना रिफंडेबल होने वाला है, इतना महीना गुजर चुका है और अभी तक इसमें कोई भी आपका एक्शन नहीं हुआ है। अगर आप चाहते हैं कि हम आपके ग्रीवेंस ये फॉर्म भर के दें तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपको पर्सनल टेलीग्राम ID में रीच कर लेंगे और वहाँ से आपकी ITR को स्टेटस को चेक करके आपको बता देंगे क्या प्रॉब्लम है या फिर उसमें क्या आपको करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जैसे आपने पूरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भर दिया, भरने के बाद आपका एक काम रहेगा यहाँ पर अटैचमेंट। अटैचमेंट क्या करोगे, जो आपका ITR में जैसे भरा होगा ना उसमें आपको एक कॉपी दिया होगा कितने रुपए का उसने रिफंड करवाया, उस कॉपी को यहाँ पर अपलोड डॉक्यूमेंट करके यहाँ पर अटैच कर दीजिए, कॉपी ऑफ 161 चालान कॉपी या फिर कॉपी ऑफ फ्रॉम द डिपार्टमेंट या फिर अदर डॉक्यूमेंट्स। तो आपने सीधा जाना अदर डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करना है, यहाँ पर नीचे सबसे अदर डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इसको अपलोड कर देना है, अपलोड करने के बाद यहाँ पर आपकी ऑप्शंस खुल जाएंगे सबमिट ग्रीवेंस। जैसे ही आप सबमिट ग्रीवेंस कर दोगे आप चला जाएगा, तो 24 आवर्स के अंदर वो आपको प्रोफाइल चेक करेंगे और प्रोफाइल चेक करने के बाद अगर आपकी प्रोफाइल में सारी चीज़ें सही है तब तो आपको ये 5 से 7 दिन में पेमेंट आ जाएगा।